हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? कभी कभी कैसे आप मूवीज देखते हो जो शुरू कहीं से होती है और फिर एंड वो कहीं और हो जाती है, और ऐसी एक मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आई, थोड़ी 18 प्लस टाइप है, इसका नाम भी ऐसा ही साउंडिंग है, द ईयर आई स्टार्टेड मास्टरबेटिंग। अब इसके लिए ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये मूवी देखनी भी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। डोंट गेट एक्साइटेड बाय द नेम इटसेल्फ। तो इट्स अ नेटफ्लिक्स एडल्ट मूवी फ्रॉम द वुमेन्स पर्सपेक्टिव एंड ओनली द वुमेन्स पर्सपेक्टिव इन हैंड। तो हैना की कहानी है, शी इज टचिंग 40 एंड शी इज हाईली सक्सेसफुल, शी इज अनेबल टू गिव टाइम एट होम, और वो थोड़ी परफेक्शनिस्ट टाइप की है, उसको हर जीवन में स्पेसिफिकली काम को लेके परफेक्शन चाहिए होता है, एंड शी इज अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट परफेक्शन एट होम, क्योंकि वो अपने पार्टनर को यानी मॉर्टन को और अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रही है। अब उसका जो पार्टनर है वो उसको दुखी रहता है, बताता रहता है कि यार छोड़ दे नौकरी, वो एक दिन छोड़ देती है, लेकिन बाय दैट टाइम मॉर्टन का एपिटोम आ चुका होता है, बोलता है जी मुझे तो चाहिए नहीं। तो अब यहाँ पर आपको जो जद्दोजहद आती है वहाँ से कहानी बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और वो काफ़ी वियर्ड और वाहियात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा शुरू हुआ कि जो जेंडर का रोल होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, कि वुमन को घर बैठ के बच्चे संभालने चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, हस्बैंड बाहर जाएगा, इसको चैलेंज करती हुई कहीं नज़र आ रही थी, बट अचानक से दिखता है कि शी इज़ थ्रोन आउट, शी इज़ ऑन द रोड, हर फ्रेंड्स आर नॉट टेकिंग हर कॉल्स, शी इज़ डिसोन्ड एंड शी हैज़ नो अदर ऑप्शन टू डायल टू ओल्ड कनेक्शंस। वो ओल्डर बहुत पुराने कनेक्शंस के साथ कनेक्शन बैठाती है, और जब वो कनेक्शंस बैठ जाते हैं तो वो एक पाथ पर चली जाती है सेल्फ डिस्कवरी की, हाउ नॉट टू बी सो परफेक्शनिस्ट सो टू से इन हर जॉब एक्सेट्रा, एंड देन शी स्टार्ट्स लर्निंग हाउ आई स्टार्टेड मैस्टरबेटिंग। अब इसका क्या लिंकेज है, क्या है, कुछ आपको समझ में आने वाला नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स दैट लुकिंग एट द नेम यू गेट सुपर एक्साइटेड एंड यू सी माइट फील दैट ए प्लस कॉन्टेंट एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। इट्स अ रबिश कॉन्टेंट आई वुड से, बिकॉज जो मैटर इन हैंड है और जो कंक्लूजन है वो मैच ही नहीं करता है। वो जिस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करी गई है वो बहुत वाहियात है, क्योंकि अगर आप एक वुमन की बात कर रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी की, आप ये बात कर रहे हैं कि आपको सब कुछ अपने बारे में जानना है, तो वो जानती तो अपने बारे में सब कुछ थी, इसी वजह से तो वो करियर में इतना प्रोग्रेसिव थी, वो मी फर्स्ट थी, वो अपनी प्रायोरिटीज पहले लेके आ रही थी, लेकिन उसकी प्रायोरिटी सिर्फ एक जगह पे थी, ये सॉल्व करना था, सॉल्व करने कुछ और निकल लिए, वो भी 40 इयर्स की लेडी को, तो ये थोड़ा अजीब लगता है, अजीब साउंडिंग लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपने शायद अपने टाइम बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। और मेरे ख्याल से जो वुमेन भी होंगी वो बोलेंगी कि यार ये जो सॉल्व करने निकले थे इस तरीके से सॉल्व होगा, ऐसी वाली फीलिंग आएगी बिल्कुल ही। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू लीव दिस मूवी एंड वॉच समथिंग एल्स इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन सम गुड कॉन्टेंट। दिस इज अ रबिश कॉन्टेंट, यू माइट सी फ्यू सीन्स हेयर एंड देयर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू माइट वॉन्ट टू वॉच इट, बट अदरवाइज इट्स अ रबिश कॉन्टेंट, हैज नो मीनिंग, नो डायरेक्शन। क्यों बनाई गई है मेरे को ये भी नहीं पता, और जब मैंने बाद में थोड़ा फाइंड आउट करा कि आई कहाँ से ये स्क्रिप्ट, तो पता चला इसके ऊपर बुक भी लिखी गई हुई है, और बुक में क्या पर्सपेक्टिव था और यहाँ क्या डेमोन्स्ट्रेट किया वो तो मुझे नहीं पता, कि बुक मैंने पढ़ी नहीं है, बट ये वाला पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल ही आउट है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ, होपफुली कोई बेटर चीज़ देखेंगे तो आपको बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।